दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री लेकर आए हैं जिसका क्लाइमैक्स देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक पुलिस ऑफिसर जो कि बहुत ही पेचीदा केस को सॉल्व कर देता है और जब उस केस के बारे में अपने सीनियर को बता रहा होता है तभी अचानक उसका एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है और वो ऑफिसर अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन भूल जाता है। अब क्या इस पुलिस ऑफिसर की याददाश्त वापस आएगी और क्या इस मर्डर मिस्ट्री का सच सबके सामने आएगा, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। दोस्तों यकीन मानिए इस फिल्म का क्लाइमैक्स देखकर आप निराश नहीं होंगे, ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एसीपी एंटोनी से। वो अपनी कार से जा रहा होता है तभी वो अपने पुलिस कमिश्नर फ्रांक को कॉल करके बताता है कि सर मैंने खूनी का पता लगा लिया है। अब वो आगे कुछ बोल पाता लेकिन तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और इसी हादसे में वो अपनी याददाश्त भी खो देता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कमिश्नर फ्रान एंटोनी को अपनी कार में ले जा रहा था। यहाँ पर एंटोनी उसे सिगरेट मांगता है लेकिन फ्रान कहता है कि मुझे तो स्मोक करने की आदत ही नहीं है और फिर वो उस एक्सीडेंट वाली जगह पर गाड़ी रोक कर कहता है कि देखो 15 दिन पहले तुम्हारा इसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ था, प्लीज कुछ याद करने की कोशिश करो। उस दिन तुम मुझे हमारे बेस्ट फ्रेंड एसीपी आर्यन के बारे में कुछ बता रहे थे और तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ पर एंटोनी को तो कुछ भी याद नहीं आता और उसका दिमाग तो पूरी तरीके से ब्लैंक होता है। ये देखकर फ्रांक कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। फिर वो एंटोनी को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप करके कहता है कि हम दोनों और डॉक्टर के अलावा कोई तुम्हारे मेमोरी लॉस के बारे में नहीं जानता, इसलिए तुम भी इसके बारे में किसी को मत बताना वरना तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। अब यहाँ से तुम सीधा अपने फ्लैट पर चले जाओ। एंटोनी पूछता है कि लेकिन मेरे फ्लैट में मेरे अलावा कौन रहता है, तो फ्रान कहता है कि वहाँ पर तुम अकेले ही रहते हो, ये आदमी यहाँ का सिक्योरिटी है और तुम्हारे अलावा ये आदमी और किसी को यहाँ पर अलाउ नहीं करेगा। अब उसके बाद एंटोनी को उसकी बहन कॉल करती है लेकिन यहाँ तो उसे ये भी याद नहीं कि उसकी कोई बहन भी है, इसलिए एंटोनी सिर्फ हाँ में जवाब देता है और ज्यादा कुछ बात नहीं करता। अब फ्रान एंटोनी को उसका फ्लैट नंबर बताकर वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक वहाँ पर दो आदमी आकर सिक्योरिटी से कुछ एड्रेस पूछने लगते हैं। सिक्योरिटी कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई एड्रेस नहीं है। फिर वो एंटोनी से पूछते हैं लेकिन अचानक एक आदमी चाकू से एंटोनी पर वार करता है और एंटोनी उस वार से बचते हुए उन दोनों से लड़ाई करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ और गुंडे आ जाते हैं और एंटोनी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एंटोनी सब पर भारी पड़ता है और सबको मारने लगता है। दरअसल दोस्तों ये रुहाई नाम के गुंडे के आदमी होते हैं जो एंटोनी को मार डालना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एंटोनी उन्हें इतना पीटता है कि वो तो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारा शोर होता है इसीलिए बाकी के फ्लैट में रहने वाले लोग जाग जाते हैं। उसके बाद एंटोनी अपने फ्लैट के अंदर जाता है और वहाँ पर उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं। वो उन लेटर्स को पढ़ता है जिसके अंदर गेट वेल सून का मैसेज ज्यादातर लिखा होता है। खैर अब उसके अगले दिन सुबह सुबह डोर की बेल बजती है और उसके पड़ोसी आकर उससे कंप्लेंट करने लगते हैं कि आप यहाँ का फ्लैट खाली कर दीजिए, आपकी वजह से यहाँ पर रात में गुंडे आते हैं और यहाँ पर लड़ाई होती है और उस लड़ाई झगड़े से हम रात भर सो नहीं पाते। अब एंटोनी को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। खैर उसके बाद फ्रान एंटोनी को एक जगह पर लेकर जाता है और कहता है कि तुम हमेशा उस दुकान से सिगरेट खरीदते थे, अभी इसी वक्त वहाँ पर जाकर सिगरेट खरीदो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। एंटोनी पूछता है कि मैं कौन से ब्रांड की पीता था। फ्रान कहता है कि तुम वहाँ पर चले जाओ, दुकानदार तुम्हें देखकर तुम्हारा ब्रांड दे देगा। अब यहाँ पर वैसा ही होता है। एंटोनी उस दुकानदार के पास जाता है और वो दुकानदार कहता है कि अरे साहब आप बहुत दिनों के बाद आए, कहाँ गए थे इतने दिनों तक, सब ठीक ठाक तो है ना। अब तभी वहाँ पर एंटोनी का एक फ्रेंड आता है और उससे कहता है कि अरे यार मैं जल्दी ही फॉरेन जाने वाला हूँ लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं तुमसे एक बार जरूर मिलूंगा, ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद एंटोनी कार में बैठकर फ्रांस से कहने लगता है कि मुझे तो अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा है, जिस आदमी ने मुझसे बात की मैं तो उसे भी नहीं पहचान पाया। खैर अब घर पर लौटने के बाद एंटोनी अपने यूनिफॉर्म को देखता है और अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को भी देखता है और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हम देखते हैं एंटोनी एसीपी आर्यन और फ्रान ये क्लोज फ्रेंड होते हैं। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि आर्यन ने एक खतरनाक टेररिस्ट को पॉइंट ब्लैक पर शूट करके खत्म कर दिया
और उसका सम्मान करने के लिए आज उसे कर्नल के हाथों मेडल दिया जा रहा है। अब यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी में आर्यन अपनी स्पीच दे रहा होता है, लेकिन तभी अचानक न जाने कहाँ से एक बुलेट आकर उसके सीने को चीर देती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद तुरंत आर्यन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और यहाँ पर सभी लोग खूनी को तलाशना शुरू करते हैं। तभी एंटोनी एक रिपोर्टर का कैमरा लेकर अपने अपार्टमेंट में किसी को देखता है। अब यहाँ पर ऑफिसर आर्यन की मौत होने की वजह से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और उस अपार्टमेंट को पूरा चेक करने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई भी सुराग नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि ये एक परफेक्ट मर्डर है। वहाँ पर मिर्ची पाउडर फेंका गया होता है और वहाँ पर उन्हें किसी के फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलते। अब यहाँ पर फ्रान और एंटोनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने आज अपना बेस्ट फ्रेंड खोया था। वो लोग आर्यन के कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एंटोनी अपनी टीम बनाकर उस केस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। उसकी टीम उस अपार्टमेंट में जाती है जहां से बुलेट आया होगा और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंटोनी का शक रूहानी गुंडे पर जाता है और वो उस एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है। एंटोनी उस गुंडे के अड्डे पर जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है, लेकिन वो गुंडा कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर उसकी पत्नी भी आती है और वो रोती हुई कहती है, मेरे पति ने वो धंधा छोड़ दिया है, प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन एंटोनी उसको धक्का देता है। वो गुंडा कहता है कि मेरी बीवी को छोड़ दो, लेकिन एंटोनी यहाँ पर उसकी पत्नी को छेड़ता है और कुछ बेहुदा हरकत करता है। अब ये देखकर वो गुंडा रूहाय बहुत ही आग बुगला हो जाता है। अपने पत्नी को ऐसा देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसके बाद एंटोनी अपने इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। फिर वो सामने वाले फ्लैट में जाकर पूछताछ करने लगता है तो वहाँ पर एक औरत बताती है कि उसने वहाँ पर एक ग्रीन कार को देखा था। अब एंटोनी की टीम ग्रीन कार की लिस्ट को निकालती है और एंटोनी ने उस दिन जिस आदमी को अपार्टमेंट में देखा था वो उसका स्केच बनवाता है। तभी उसका शक एक शिप के कैप्टन के ऊपर जाता है जिसके पास ग्रीन कार है। ऑफिसर आर्यन और उस कैप्टन के बीच कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी और इस वजह से एंटोनी कैप्टन को सस्पेक्ट मानता है और उसी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करता है लेकिन उसे कुछ भी सुराग नहीं मिलता। तभी उसकी टीम कुछ शूटर्स की फोटोज उसे दिखाती है और उस सस्पेक्ट को उस केस से मैच करने की कोशिश करती है, लेकिन ये मैच भी फेल हो जाता है। अब इतना सब कुछ करने के बाद फ्रान और एंटोनी मायूस हो जाते हैं कि ये केस सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। और इसी बीच एंटोनी फ्रान को कॉल करके बताता है कि मुझे खूनी का पता चल चुका है और जल्दी मैं इस केस को सॉल्व कर दूंगा, और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ तक कहानी बताकर फ्रान एंटोनी से कहता है कि अगर तुम अपने बारे में जानना चाहते हो तो अपनी डायरी पढ़ो जिसमें तुमने अपनी लाइफ की घटनाओं के बारे में सब कुछ लिखा है, लेकिन उसका लास्ट पेज मिसिंग है और अगर वो पेज मिल गया तो हमें खूनी का पता भी चल जाएगा। खैर अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं एंटोनी उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है जिसने एक्सीडेंट के बाद उसको ट्रीटमेंट दी थी। वो डॉक्टर एंटोनी को समझाते हुए कहती है कि एप्पल कंपनी के फाउंडर इसी तरह के मेमोरी लॉस से गुजरे थे, लेकिन 5 हफ्ते के बाद उनकी याददाश्त वापस आ गई, इसीलिए तुम ज्यादा फिक्र मत करो, 5 हफ्तों के बाद तुम्हारी भी मेमोरी वापस आ जाएगी, तुम बस फिट रहो, फिलहाल तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। अब वहाँ से बाहर आने के बाद वो गुंडा रूहाय उसको फॉलो करने लगता है और उसे मिलकर कहता है कि उस दिन आपने मेरी पत्नी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर मेरे गुंडों को तुम्हें मारने के लिए भेजा था, वरना मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने ऐसे बुरे काम बहुत पहले ही छोड़ दिए है और मैंने आपके दोस्त का खून भी नहीं किया। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। खैर अब उसके अगले दिन एंटोनी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर अपने डिपार्टमेंट में चला जाता है। वहाँ पर सभी लोग उसे सैल्यूट करने लगते हैं और एंटोनी सबको गुड मॉर्निंग कहता है। अब ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले एंटोनी ने कभी गुड मॉर्निंग नहीं कहा था। फिर वो अपने टेबल के ड्रॉवर से सिगरेट और दारू निकालकर कूड़ेदान में फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे शादी का इनविटेशन देता है, लेकिन यहाँ पर एंटोनी तो उसे पहचानता ही नहीं और मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा इतना कहकर उसे भेज देता है। अब रात को फ्रान एंटोनी को डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर की फोटोज दिखाकर कहता है कि देखो इनके नाम और पोजीशन याद कर लो और तुमसे सीनियर ऑफिसर को सैल्यूट करना मत भूलना। एक और बात यार, मैं भी तुम्हारा सीनियर हूँ इसलिए मुझे भी सैल्यूट करना मत भूलना, ठीक है। ऐसा कहते हुए फिर वो उसे आर्यन का फोटो दिखाता है और उसे आर्यन के रिलेटेड एक फ्लैशबैक बताता है। अब आर्यन को एक जगह का इंचार्ज दिया गया था और तभी वहाँ पर दो आदमी नशे में अपनी कार से जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी बड़े ही रौब दिखाते हुए कहता है कि मैं शिप का कैप्टन हूँ, समझे। फिर क्या था, आर्यन उसे नीचे उतरने के लिए कहता है लेकिन वो बंदा नहीं मानता और उसकी ही कार का कलर ग्रीन होता है।
फिर आर्यन उसे कहता है कि तुम अपने शिप पर कैप्टन होंगे लेकिन यहाँ का कैप्टन मैं हूँ। इस तरीके से आर्यन उस कैप्टन को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन वो कैप्टन सोसाइटी में एक बहुत ही रेप्यूटेड आदमी होता है और इस वजह से आर्यन मुसीबत में फंस जाता है और फ्रान यहाँ पर एंटोनी को आर्यन की मदद करने के लिए भेजता है। अब यहाँ पर उस कैप्टन के हायर ऑफिसर से बात होती है। एंटोनी कहता है कि हमने तुम्हारे कैप्टन के ऊपर केस फाइल नहीं किया है, लेकिन इसने ड्रिंक करके ड्राइव करने का गुनाह तो किया है। अगर अपने और अपने कैप्टन की इज्जत बचाना चाहते हो तो चुपचाप उसे यहाँ से लेकर निकल जाओ और ये मैटर यहीं पर सॉल्व हो जाता है। अब इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए फ्रान, एंटोनी और आर्यन बार में जाते हैं और वहाँ पर कुछ वाइन वगैरह पी रहे होते हैं। तो यहाँ पर आर्यन अपने गर्लफ्रेंड अविका के बारे में बताता है। फिर वो आर्यन के घर पर जाते हैं और आर्यन एंटोनी को अपने पिता से मिलवाता है, लेकिन यहाँ पर उसके पिता तो कोई जवाब नहीं देते, इसलिए एंटोनी आर्यन से विदा लेकर अपने घर के लिए लौटता है और आर्यन भी उसके पीछे पीछे उसके घर पर आता है। और इस तरीके से ये दोनों यहाँ पर बहुत ही गप्पे लड़ाते हैं। इनकी लाइफ बहुत ही मस्त तरीके से चल रही थी, लेकिन एक दिन किसी पार्टी में आर्यन एक लड़की से मिलता है, लेकिन वहाँ का एक आदमी उसे परेशान करता है तो एंटोनी उस आदमी का सर ही फोड़ देता है और इस वजह से दोबारा से मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब इसके अगले दिन न्यूज़पेपर में यही हेडलाइन होती है कि पुलिस वालों ने फोड़ा पार्टी में एक आदमी का सर। खैर, अब यहाँ पर फ्रांस उन दोनों को समझाता है और कहता है कि देखो, मीडिया इस खबर को ऑल डिटेल में छापे, इससे पहले तुम दोनों कहीं और ट्रांसफर ले लो और जब मीडिया ये बात भूल जाएगी तो फिर से मैं तुम लोगों को यहाँ पर ट्रांसफर दिलवा दूंगा। अब एंटोनी और आर्यन ट्रांसफर लेकर दूसरे शहर चले जाते हैं और उसके कुछ दिन बाद फ्रांस ये ब्रेकिंग न्यूज देखता है कि आर्यन ने कुछ खतरनाक टेररिस्ट को खत्म कर दिया और यहाँ पर सब जगह उसकी ही प्रशंसा होने लगती है। लेकिन यहाँ पर फ्रान को लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर वो उन दोनों से अकेले में मिलता है और पूछता है कि बताओ सच क्या है, वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर आर्यन सच बताने लगता है। वो कहता है कि अरे यार, एंटोनी की गोली की वजह से ही वो टेररिस्ट मरा है और मेरी गोली तो उससे लगने से रही। मैं तो एंटोनी को मीडिया से बचाना चाहता था, इसलिए मैंने ये खबर दे दी कि उस टेररिस्ट को मैंने मारा। फिर वो फ्रान और एंटोनी को अपनी गर्लफ्रेंड अविका से मिलवाता है। अब फ्रान यहाँ पर कहता है कि एंटोनी को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है और टेररिस्ट को खत्म करने के लिए आर्यन को गवर्नमेंट के हाथों मेडल दिया जाएगा। और दोस्तों इसी अवार्ड सेरेमनी में आर्यन का खून हुआ था। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट पर वापस आते हैं और फ्रान एंटोनी को बताता है कि जो कुछ भी हुआ था वो मैंने तुम्हें बता दिया, अब इससे आगे की सच्चाई तुम्हें ही ढूंढनी है कि आर्यन की मौत कैसे हुई। तुम अपनी डायरी पढ़ो और लास्ट पेज कंप्लीट करो। अब एंटोनी फिर से अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और फ्रान के साथ फोन पर बात भी करता रहता है। तभी उसी वक्त एक ऑफिसर उसके केबिन में आ जाती है। एंटोनी उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें तमीज नाम की कोई चीज है या नहीं, क्या तुम दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती थी। वो ऑफिसर कहती है कि जब आप बीच सड़क पर एक गुंडे की पत्नी को हाथ लगा रहे थे तब आपकी तमीज कहाँ गई थी। ये बात सुनकर एंटोनी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे तो ऐसा कोई हादसा याद ही नहीं है। खैर, अब उसके बाद फ्रान की पत्नी एंटोनी से मिलती है और उसे बताती है कि आर्यन की मौत के बाद फ्रान कुछ खोया खोया रहता है और उसकी वजह सिर्फ आर्यन की मौत नहीं है बल्कि यहाँ पर कुछ अलग ही बात है। तभी एंटोनी खिड़की से देखता है कि सड़क से एक ब्लू कलर की कार जा रही है, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे वो कार ग्रीन दिखाई देती है। अब वो कई ब्लू कार को इस तरह से चेक करता है और उसका शक कंफर्म हो जाता है। उसके बाद वो अपने हायर ऑफिसर को ये बात बताता है, लेकिन उसके हायर ऑफिसर कहते हैं कि तुम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो। लेकिन यहाँ पर एंटोनी दो दिन का टाइम मांगता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात ये थी कि उसकी टीम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर एंटोनी आर्यन की गर्लफ्रेंड अविका से मिलने के लिए जाता है तो वो उसे बताती है कि मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। लेकिन तभी उसे किसी काम से बुलाया जाता है और वो फिर से चली जाती है। अब उसके दूसरे दिन एंटोनी फिर से अविका को एक जगह पर बुलाता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ क्या बताना चाहती थी, वो सारी बातें अब तुम मुझे बता सकती हो, मैं उन बातों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब अविका गुस्से में कहने लगती है कि तुम मरे हुए आदमी की कब्र क्यों खोद रहे हो, मेरी बात रिकॉर्ड मत करो वरना मैं जो वीडियो तुम्हें दिखाने के लिए लाई हूँ उसे मैं डिलीट कर दूंगी। तभी एंटोनी उससे मोबाइल छीनकर उस वीडियो को देखता है जिसके अंदर आर्यन और रविका कहीं पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और तभी रविका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। आर्यन ने वीडियो में कहा था कि कल के मेडल सेरेमनी में मैं स्पीच देने वाला हूँ और तब आर्यन कहता है कि मैं पुलिस फोर्स में रहने के लायक नहीं हूँ, ये मेडल मुझे नहीं बल्कि मेरे दोस्त एंटोनी को मिलना चाहिए। अब उसके बाद एंटोनी फ्रान को भी ये वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये वीडियो किसी और ने भी देखी है और जिसने भी ये वीडियो देखी है वो नहीं चाहता था कि आर्यन स्पीच दे, इसलिए उसने आर्यन को मार डाला होगा।
फिर वो गन और बुलेट एक्सपर्ट को बुलाता है और एंटोनी उसी फ्लैट में जाता है क्योंकि एंटोनी को यकीन था कि इसी फ्लैट से बुलेट फायर की गई थी। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि यहाँ से गन फायर होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि यहाँ से टारगेट की दूरी, हवा की दिशा और ऑक्सीजन को देखते हुए बुलेट टारगेट पर नहीं बल्कि कहीं और ही लग सकती है। उसके बाद एक्सपर्ट दूसरे फ्लैट में जाते हैं जो कि स्टेज से थोड़ा पास में होता है। एंटोनी कहता है कि यहाँ पर हम चेक कर चुके हैं, यहाँ तो हमें कोई सुराग नहीं मिला था। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि गन तो यही से फायर हुई है, यहाँ पर गन को रख दिया गया और कहीं रिमोट की मदद से शूटिंग की गई थी। अब एंटोनी यही बात अपने सीनियर्स को बताता है लेकिन वो कहते हैं कि तुम कई दिनों से इस केस को गुमराह कर रहे हो क्योंकि अब तक तुम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, इसलिए तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। तभी पुलिस स्टेशन से एंटोनी को कॉल आता है और वो ऑफिसर कहता है कि कई दिनों से ब्लू कलर की कार यहाँ पर खड़ी हुई है और हमें शक है कि उसका इस केस से कोई संबंध है। फिर एंटोनी घर पर जाकर उस सस्पेक्ट का स्केच देखने लगता है जो एक्सीडेंट से पहले इसने बनवाया था। फिर वो अपनी डायरी को फिर से पढ़ता है और अपने पास को याद करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा अंदर आकर एकदम से अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। एंटोनी उसे डांटते हुए कहता है कि तुम कौन हो, निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन वो आदमी एंटोनी को किस करने लगता है और कहता है कि अरे तू मुझे बाहर क्यों भगा रहा है, भूल गए अपने लवर को। अब यहाँ पर एंटोनी को कुछ समझ नहीं आता और उसे मार पीट कर वो अपने घर से बाहर निकालता है और दरवाजा बंद करके रोने लगता है। कहता है कि सच में मैं कौन हूँ, मुझे तो ये भी याद नहीं कि ये आदमी क्या कह रहा है। अब उसके अगले सीन में वो कुछ कॉल लॉग निकाल कर फ्रांस से मिलता है और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। एंटोनी फ्रांस से कहता है कि तुम तो बहुत ही शातिर पुलिस कमिश्नर हो, तुमने बड़ी चालाकी से मेरे ही हाथों ये केस खुलवाया। तुमने बताया था कि एक्सीडेंट से पहले मैंने तुम्हें कॉल करके कुछ बताया था लेकिन तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि आखिरी बात मैंने तुम्हें क्या बताई थी। और दोस्तों क्लाइमैक्स में हमें दिखाया जाता है कि एंटोनी और उसका लवर गे रिलेशनशिप में थे और एक दिन आर्यन ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर आर्यन एंटोनी से डांटते हुए कहने लगा, यार मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगा। इतना कहकर आर्यन वहां से गुस्से से बाहर चला जाता है और एंटोनी का लवर एंटोनी से कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्त ने मुंह खोल दिया तो तुम्हारी इमेज बहुत खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर एंटोनी बहुत सोचता है और वो ये फैसला करता है कि वो अवार्ड सेरेमनी में आर्यन को मार डालेगा। जी हाँ दोस्तों, एंटोनी ने ही आर्यन को मार डाला था। फिर वो फिक्शन ग्राउंड के पास फ्लैट में जाकर वहाँ पर एक रिमोट गन फिक्स करता है जो उसके टारगेट पर एम करेगा और इस तरह से आर्यन का खून उसके ही प्लान के मुताबिक हुआ था। लेकिन दोस्तों आर्यन के मरने के बाद अविका ने एंटोनी को जो वीडियो दिखाया था उसके अंदर आर्यन स्पीच की रिहर्सल कर रहा था। एंटोनी को ये डर था कि आर्यन उसकी स्पीच में उसके गे रिलेशनशिप के बारे में सबको बताने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सच्चाई तो ये थी कि आर्यन उस स्पीच में ये बताने वाला था कि इस मेडल का हकदार मैं नहीं बल्कि मेरा दोस्त एंटोनी है क्योंकि मैंने उस सेरेस को नहीं मारा, मेरे दोस्त एंटोनी ने मारा था और यही बात वो सभी लोगों को बताने वाला था। लेकिन एंटोनी को लगा कि वो उसके गे रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देगा और इसी डर के कारण एंटोनी ने आर्यन को मरवा दिया। आर्यन का खूनी और कोई नहीं बल्कि उसका ही दोस्त एंटोनी था। लेकिन जब एंटोनी का एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पर फ्रान ने बहुत ही सावधानी से आखिरी बात एंटोनी को नहीं बताई और उसके ही हाथों खुद अपना केस इन्वेस्टिगेशन करवाया। अब यहाँ पर एंटोनी की याददाश्त वापस आती है और वो अपनी काबिलियत साबित करके दिखाता है और आर्यन का खून करने के जुर्म में सरेंडर भी करता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये जबरदस्त ट्विस्ट और क्लाइमैक्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।